इसमें दो बाल्टी अपनी अलग अलग बज रही है, पुरानी वाली बलिनो है ना, तो इसमें जो नई वाली आ रही है वो कैसी लगती है? ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, अच्छी लगती है। ये थोड़ी मतलब बल्की बल्की से लगती है, वो थोड़ी पतली सी लगती है ना। और जैसा मैंने बताया भाई अंदर से ब्लैक के शौकीन, तो भाई पूरी गाड़ी अंदर से ब्लैक है, प्लर वगैरह बिल्कुल सेम है ना। तो भाई सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि आपने यार व्हाइट बलिनो बहुत देखी है, ब्लैक ब्लैक ग्रे ग्रे बहुत देखी होगी, तो गाइस आज हम आपको दिखाने वाले भाई रेड कलर की बलिनो और बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन कराई है। और जैसे कि आपको पता हो भाई अपनी ओल्ड शेप वाली जो अभी पहले आती थी, इससे पहले जो आ रही है उससे पहले, तो आज हम सारी चीजें बताने वाले हैं, अलॉय हो गया, इंटीरियर वगैरह में सब चीज जो जो भाई ने काम करा हुआ है। तो गाइस भाई का इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही रहेगा। तो चलिए गाइस बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस फिर दोबारा से आज हमारे साथ है गौरव भाई। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। भाई जैसे कि आपको पता हो भाई के पास हमने स्विफ्ट भी शूट करी थी, मुझे पता नहीं कि भाई वो पहले डली है ये पहले डली है, तो अभी आपको बलिनो दिखाने वाले हैं। जैसे कि भाई वो भी अपनी रेड कलर की थी और ये भी रेड कलर की, मतलब दो गाड़ी और सेम कलर में, मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन है ये तो बताओ पहले। रेड अच्छा लगता है। अच्छा रेड फेवरेट है ना, जैसे बंदों को ब्लैक फेवरेट होता है, तो भाई को पता है क्या अंदर से ब्लैक फेवरेट है बाहर से रेड फेवरेट है ना। भाई कौन सा मॉडल है अपना ये? ये डेल्टा पेट्रोल। अच्छा 2018 मॉडल है। तो भाई आप ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रही है। एक तो भाई इसका रेड कलर और अलॉय में अपना रेड मैच हो रहा है ना, तो भाई बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ स्पोर्टी वाला लुक आ रहा है ना। तो जैसे कि भाई हम स्टार्टिंग करने वाले भाई फ्रंट से, तो फ्रंट में भाई अपनी LED इंस्टॉल है ना, तो भाई कितने वॉट है अपनी ये? 90 वॉट है। तो आप देख सकते हो भाई आउटपुट कैसा है, एक बार जला के दिखाओ। तो थोड़ा मौसम भी थोड़ा मतलब कि रात रात सी हो चुकी है, तो अभी आपको भाई लाइट का रिस्पॉन्स भी चेक करा रहे हैं। ये देखो भाई डिपर मारना भाई, ये देखो। तो भाई ये अपनी कौन सी कंपनी की है ये? भाई हेलोजन, ये पता नहीं चाइनीज ही होगी अपनी ना। हाँ। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी इसकी? इसकी 4500 रुपए इसकी पड़ी थी। और नीचे फॉग लैंप में भाई उसमें भी LED है। अच्छा उसमें भी LED अपनी, वो कितने वोट है? वो 60 वोट है। और प्लस भाई ने DRL वाला वो लगा हुआ है, तो मेरे को लग रहा है ये भाई बस ओनली DRL है इंडिकेटर पे। अच्छा इंडिकेटर पे, तो भाई ये देख सकते हो। तो भाई ये देखो ये अपना इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। तो भाई बंद कर दो लाइट, बंद कर दो सारी। तो ये देखो मतलब फ्रंट से भाई लुक कुछ इस तरीके की आ रही है। अच्छा अलॉय में भी लाइट है अपनी, तो अलॉय वाली ऑन करना भाई। भाई ये देखो अलॉय वाली भी ऑन हो चुकी है, ये देखो दिख रही होगी आपको। तो अब जैसे कि हम बात करें फ्रंट में ही कर रहे थे जैसा, तो जैसे कि भाई ने भाई अपनी स्विफ्ट का भी नंबर परचेज करा, तो भाई इसका भी भाई ने नंबर परचेज करा हुआ, सेम नंबर है 7778 है ना भाई, लक्की नंबर है के? हाँ जी। तो भाई क्या क्वेश्चन बढ़ गई थी, सेम पड़ी थी या कैसे? इसकी 15000। तो मतलब भाई इतना डिफरेंस कैसे? 2018 में 15 का था। हाँ, और अब 2020 में 30 का, मतलब डबल है ना। हाँ, तो भाई स्कूटी अभी ली है 2022 में। हाँ, उसका 15 का पड़ा। अच्छा स्कूटी का भी यही नंबर है? नंबर के शौकीन है भाई, नंबर के भी। और भाई देख रहे भाई शौक ना बहुत बड़ी चीज आती है ना। तो जैसे कि अब आते हैं भाई अपने पीछे की तरफ, पीछे भाई क्या क्या चीज चेंजेस है अपनी? तो भाई पीछे आप ये देखो,
तो भाई मेरे को लग रहा है ये अपने टॉप वेरिएंट में आता है या इसमें भी आता है ये? इसमें नहीं आता, ये लगवाना पड़ता है, कंपनी से लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देखो कंपनी से लगा हुआ। तो भाई क्या कॉस्टिंग थी इसकी? इसकी थी उस टाइम पे 4500 रुपए। 4500 रुपए की अपनी ये लगी है। और ये वाली भाई इसकी सिल्वर वाली तो बाहर से लगी हुई है, ये बाहर से 400-500 रुपए की पड़ी थी। अच्छा अच्छा, और भाई ने भाई अपनी स्मोक कराई हुई है भाई, टेल लाइट्स, और पीछे आपको नीचे डिफ्यूजर मिल जाएगा। डिफ्यूजर की क्या कॉस्टिंग वगैरह थी भाई? डिफ्यूजर था ये 1400 का। 1400 का। तो भाई ये बताओ, जैसे कि अब तो ये पुरानी वाली बलिनो है ना, तो इसमें जो अब नई वाली आ रही है वो कैसी लगती है? ये बढ़िया है, वो बढ़िया है? अच्छी लगती है ये, थोड़ी मतलब बल्की बल्की से लगती है, वो थोड़ी पतली सी लगती है ना, और वैसे चौड़ाई भी कम है। इसकी चौड़ाई कम है और ये हैवी लगती है उससे, है ना? तो पर वैसे है नहीं इतनी हैवी, है ना, पर वो ज्यादा हैवी है। अगर बॉडी क्वालिटी की बात करें तो भाई, अब एक बार साइड लुक दिखाते हैं, एक बार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। तो अपने अलॉय की बात करें तो भाई ये कितने इंचेस है अपने? ये 215-45-17। हाँ देखो भाई, 215-45-17 इंचेस के अपने अलॉय व्हील, 17 इंचेस भाई, इसमें भी 17, उसमें भी 17। तो इसमें 20 लगवाओगे क्या? देखते हैं ऊपर हो जाएगा तो। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देख सकते हो बलिनो की कुछ लुक इस तरीके से आ रही है। और भाई टायर चाइनीज है, अलॉय चाइनीज अपने। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ गई थी इसकी? जो पहले डलवाए थे इससे पहले। अच्छा सेकंड है ये? हाँ जी। अच्छा तो वो पड़े थे 48 के, ये पड़े थे 56 के। ये 56 के पड़े। तो भाई चलाने में कैसे रिस्पॉन्स है? एवरेज 16-17 सही एवरेज निकाल रही है। पेट्रोल है ना? तो भाई सही एवरेज निकाल रही है, तो 16-17 की तो बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि बाहर से हमने ओवरऑल सारी चीज कंप्लीट कर ली, भाई एक बार अंदर आ जाओ, अंदर में दिखाते हैं क्या क्या काम करा हुआ भाई ने। तो ये देखो भाई, ये सिस्टम भाई बहुत ही कैड़ा है। ये देखो ये अपना ना, मतलब अपनी जो कार को होता है वो लोगों को प्रॉपर दिखाता है। अभी तो दिन है तो इसलिए ढंग से आपको दिख नहीं रहा होगा। तो भाई इसमें क्या सेल लगता है या वायरिंग होती है, क्या चक्कर है? ये वायरिंग से है। अच्छा ये वायरिंग से, एक सेल वाला भी आता है शायद, है ना? तो भाई क्या कॉस्टिंग थी इसकी? इसकी 200 से 600 रुपए। अच्छा बस ओनली फ्रंट वाले में, है ना? तो 600 के लगे थे। और जैसे एम्बिएंट लाइटिंग की बात करो, ये सिंगल कलर वाली है भाई अपनी जी। तो ये देखो ये ओनली भाई इधर इधर, अच्छा इधर भी सारे में जलती है। तो ये देखो अपनी ये 18 पीस वाली, ये 18 पीस वाली ये रही। और अपने बोटा होल्डर में अच्छा दिखी नहीं मेरे को, मैं सोच रहा इससे कम होगी मैं। तो ये देखो इधर अपने 18 होल्डर वाली, अपने 18 पीस वाली है ये। तो भाई क्या कॉस्टिंग वगैरह थी? 11,000 रुपए की पड़ी। ये 11,000 रुपए कौन सी कंपनी है भाई? ये एक हमारे दोस्त है एमएस कस्टम से, वो अपने असेंबल करते हैं। अच्छा अच्छा, उनके पास दूर दूर से गाड़ी आती है। अच्छा अच्छा, तो ये 11,000 रुपए की है ना, इतनी तगड़ी एम्बिएंट लाइट। तो देख रहे भाई आउटपुट बहुत ही बढ़िया आ रहा है, जैसे कि अभी थोड़ा उजाला भी है तो बिल्कुल बढ़िया दिख रही है प्रॉपर, है ना? और जैसे मैंने बताया भाई अंदर से ब्लैक के शौकीन, तो भाई पूरी गाड़ी अंदर से ब्लैक है, पिलर वगैरह बिल्कुल सेम है ना। तो भाई इसके सीट कवर वैसे नहीं है जैसे उसके, है ना? तो ये देखो भाई इसके बढ़िया लग रहे हैं। और भाई इसकी रूफ कितने की हुई थी उस टाइम? वो 3800 रुपए की सेम, तो 3800 की हुई है। और अपना स्टीरियो इसमें चेंज है ना भाई? तो ये कौन सा है? ये भाई उसका है, चाइनीज होगा, माइक वर्ल्ड का। तो क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी भाई इसकी? 8,000 रुपए का ये पड़ा था। और सिस्टम में भाई क्या क्या है इसके अंदर? बेस ट्यूब है, चारों कंपोनेंट JBL। अपने डैम्पिंग वैम्पिंग भी है डोर्स में? डोर भी, रूफ भी डैम्प है या कैसे? बस ओनली डोर भाई ने डैम्प कराए अपने चारों डोर। तो भाई डैम्पिंग की क्या कॉस्टिंग थी अपनी? 800 रुपए पर सीट। अच्छा 800 रुपए पर सीट। तो एक इसमें एक गेट में मतलब कितनी सीट लग जाती? एक सीट। तो भाई ये देख सकते हैं। तो भाई आपको आउटपुट सुनाने वाले हैं कि कैसा आने वाला है, तो ईयरफोन्स वगैरह जरूर लगा लेना। तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। सेम ही सेटअप है जैसा उसमें अपना शिफ्ट में है ना? तो सेटअप भाई आउटपुट बहुत ही बढ़िया आ रही है जैसा हमने उसमें सुनाया और उसमें भी सुना दिया आपको। तो भाई जैसे कि अपना ऐप कंट्रोल वाली अपनी एम्बिएंट लाइट है ना, ये मतलब मंदी तेज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो, अरे वाह भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है। मतलब जो इसकी ब्राइटनेस है ना भाई, बिल्कुल तगड़ी आ रही है हकीकत में। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो भाई अब ये बताओ, हमने टोटल ओवरऑल सारी चीज दिखा दी है ना, तो अब ये बताओ कि कितना इन्वेस्ट कर दोगे भाई पूरी गाड़ी पे? इसमें कोई 120-121 के आसपास। अच्छा 120-121 के आसपास, मतलब छोटी छोटी यार बहुत सारी चीज रहती है जैसे आपको बताया हर बारी। तो अपना आर्मरेस्ट में भाई अपना अलग से लगा, कंपनी फिटेड है। तो ये देख सकते हो भाई, ये भी बहुत बढ़िया है। तो आपको जैसे बताया भाई ने 1,00,000 और 1,20,000 के आसपास। अच्छा तो ये देखो भाई एक बार बजाना, इसमें दो बाल्टी अपनी अलग अलग बज रही है। तो भाई इसका कैसे एम्प से कनेक्टेड है? दो एम्प सीट के नीचे। अच्छा दो एम्प अपने सीट के नीचे। तो भाई इनकी क्या कॉस्टिंग थी अपनी? इसकी पड़ी थी 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए का पड़ा था। आहूजा की बाल्टी होंगी ना भाई? जी। दो बाल्टी, एक 25 वोल्ट एक 15 वोल्ट। अच्छा एक 25 एक 15 वोल्ट की अपनी बाल्टी लगी हुई है। तो भाई ये सारी चीज ना मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता
कहीं भाई की देखा देखी आप कराने लगे हो ना। तो भाई ऑलमोस्ट हमने सारी चीज आपको दिखा दी है। तो गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लो तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई की स्विफ्ट का भी रिव्यू करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।